तो गाड़ी की हो रही है धुलाई हमें निकलना है हाँ, किटन डिलीवर करने के लिए जो कि काफ़ी दूर से हमारे क्लाइंट आ रहे हैं और हमें भी काफ़ी दूर जाना है तो चलिए हमारा सफ़र शुरू करते हैं सब्सक्राइब ना एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट हेलो एवरीवन आई दिस इज मेरा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो हमें जाना है नागपुर से सीधा राज जो कि ऑलमोस्ट हमें चार घंटा बता रहा है और 200 किलोमीटर दूर है और हमारे क्लाइंट आ रहे हैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूर से जो कि वो ये किटन दिन उड़ीसा जाएंगे तो फाइनली हम निकल चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है कुछ साढ़े पाँच और हमें लंबा सफ़र तय करना है मैंने मैप पे देखा था कि लोकेशन काफ़ी दूर है जैसे चार घंटा हमारा इसके पहले भी हम गए हैं पर तब वहाँ रोडवर्क इतना नहीं शुरू था जितना अभी शुरू है और मैप आपको ऑलरेडी ट्रैफिक का बता रहा है और बहुत रेड दिख रहा था सो so, जो हमारे क्लाइंट थे वो काफ़ी दूर से आ रहे थे इस वजह से भी हमें स्पेशल डिलीवरी देना था और किटन को वो नहीं चाहते थे कि वो बस या ट्रेन में ट्रैवल कराए वो खुद बुलवा रहे थे इसीलिए हम खुद पर्सनली उसको छोड़ने जा रहे थे फिर हम एक जगह रुके जहाँ पे हमने इसे अच्छे से ओपन एयर लेने दी खुशी खुशी और हमने इसको अच्छे से वार्म अप किया ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेस लेवल इसका ज़ीरो रहे ट्रैवलिंग के टाइम भी और हमने इसको काफ़ी अच्छे से हैंडल किया क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा देर गैप में रुकते हैं ताकि किटन को भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो ट्रैवलिंग का और हमने थोड़ा सा वहाँ पे फ़ोटो शूट किया जो कि उसके रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देखने मिल जाएंगे और काफ़ी ही ब्यूटीफुल ये किटन है और हम फिर देखना ही क्या है जब साइबेरियन किटन है तो पता ही है क्वालिटी और ख़ूबसूरती दोनों इनमें होती है एंड बहुत ही प्यार से बिना स्ट्रेस फ्री ये किटन ट्रैवल किया और देखिए अभी भी वो रोड पे इतना शोर है बट बिल्कुल नहीं डर रहा है बिकॉज़ ज़ीरो परसेंट स्ट्रेस है उसको क्योंकि टाइम टू टाइम उसको फीडिंग हम दे रहे थे टाइम टू टाइम हम उसको हैंडल कर रहे थे इस वजह से हमारा किटन ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा नहीं आया आप भी अगर इसके बाद ट्रैवल करते हो या आप किटन कहीं भी लेके जा रहे हो तो सर कोशिश करना आप कहीं कहीं रुक के इसको थोड़ा खाना पानी दीजिए वार्मअप कीजिए और बेटर रहेगा किटन को थोड़ा अगर वो सराउंडिंग से खुश होता है तो हाँ लीश भूलना नहीं वो हमारा फर्स्ट प्रिकॉशन है हमें लीश और बेल्ट हमेशा अपने साथ रखना है जब भी हम कैट को बाहर ट्रैवल करा रहे हैं फिर क्या था अब जैसे हमने इसके साथ फ़ोटो शूट किया तो हमें ज़रूरी था इसको खाना खिलाना फिर थोड़े बहुत फ़ोटो शूट करने के बाद मैं इसे डायरेक्ट खाना खिलने के लिए के लेके ले गई जो कि बहुत ज़रूरी है अगर नहीं खिलाऊंगी तो ये और 500 किलोमीटर ट्रैवल करने वाला है तो प्रॉब्लम हो जाएगी इस वजह से उसका पेट भरा रहेगा तो बेटर रहेगा एंड आप यकीन मानिए अगर आप अभी से कैट को इतना अच्छा रखेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी बहुत ही अच्छे से आपकी कैट ट्रैवल करेगी और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके लिए फेमिलियर होगी तो अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हैं मेक श्योर sure कि आप ये सारी चीज़ें कीजिए क्योंकि किटन इससे स्ट्रेस फ्री रहेगा ड्यू ड्यूरिंग ट्रैवलिंग तो चलिए अब हम इसको खिलाते हैं पिलाते हैं और फिर हम हमारे आगे का सफ़र तय करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है और काफ़ी शाम हो रही थी हम इसीलिए लेट नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं और हमें निकलना था आगे के लिए अभी हमने सिर्फ पार किया है नाइन्टी किलोमीटर्स और हमारे लिए अभी बहुत सफ़र बाकी है तो देखिए ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और इतना डस्ट है ना रोड पे मैं आपको बता नहीं सकती जो टाइम हमें कंप्लीट करना था चार घंटे में वो हम ऑलरेडी छः घंटा पीछे चल रहे हैं और बहुत लेट हो चुका है ट्रैफिक इतना है जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है सिर्फ एक लेन शुरू है अब क्या था हमें लग गई थी बहुत कसकर भूख तो हम एक रेस्टोरेंट पर रुके जहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था कुछ भी नहीं फिर हमने सोचा कि चलिए कुछ नाश्ता कर लेते हैं मतलब चाय कॉफ़ी कर लेते हैं उसके बाद हम आगे निकलते हैं तो फिर हम एक जगह रुके यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिला फिर हम आगे बढ़े और एक जगह रुके जहाँ पे हमने चस्का चाय मिली और ये इनकी बहुत सारी फ़्रेंचाइजी है जहाँ पे आपको ये मिल जाएगी और ये बहुत अच्छी चाय रहती है तो हमने यहाँ से चाय पी ली हमें एक लोकेशन मिला है जहाँ पे हमें हमारे क्लाइंट मिलेंगे तो हम वहाँ पहुँचते हैं और हमारे क्लाइंट को ये किटन हैंड करते हैं हमारा क्लाइंट अपने किडन को लेके अपने घर जा रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी इन्होंने भी इतना लंबा ट्रैवल किया हमने भी किया और हमें बहुत खुशी हुई कि अच्छी घर में जा रहा है फाइनली अब हम देखेंगे एक रेस्टोरेंट जहाँ पे हम बैठ के खाना खाए क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया है सिर्फ हम नाश्ते पे है और काफ़ी लंबा सफ़र है नागपुर अब वापस जाना इतना लंबा तो हो ही गया है साढ़े बारह बजे हम नागपुर के लिए निकल रहे हैं आप बिलीव नहीं करेंगे काफ़ी लंबा सफ़र हो गया हम लोगों के लिए ड्यू टू रोड वर्क और बिल्कुल भी आ, मतलब रोड पे कुछ सेफ्टी नहीं है कुछ नहीं है और ये वक्त पे हम वापस नागपुर के लिए निकल रहे हैं हम तीन बजे तक करीब नागपुर पहुँचेंगे और काफ़ी ही लंबा आज का सफ़र हो गया बट फाइनली थैंकफुली किटन अपने अच्छे से घर में पहुँच गया है और वो लोग भी उसको अच्छे से लेके अपने घर पहुंच जाए जो कि उड़ीसा में है ये देख के खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो हम कोई भी सिटी में कितन डिले वो कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो मिलते हैं हमारे कल के ब्लॉग में बाय टेक केयर